मुझे नहीं लगता कि टमाटर की खेती करने वाले एक भी ऐसा किसान होगा जिसको सिजेंटा कंपनी का साहो 3251 टमाटर के बारे में पता ना हो। उसके बारे में काफ़ी सारे जो बातें हैं आते रहती हैं, उत्पादन के बारे में कहे या फिर आपको कोई भी चीज़ों के बारे में कहे, तो आज के इस वीडियो में हम आखिर उसकी असलियत क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं, और जानने वाले हैं कि इसका जो ट्रांसप्लांट है करने का वह समय कौन सा है, तोड़ाई कितने दिन में स्टार्ट हो जाता है, वजन कितना होता है, रंग किस तरीके से होता है, क्वालिटी कैसा होता है, आकार कैसा होता है, उत्पादन कितना हो सकता है, कौन कौन से राज्य पर आप लगा सकते हैं, प्राइस कितना देखने को मिलता है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में प्रॉपर A to Z डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके लिए जो सही समय है वह क्या है। किसान साथियों, ऐसे अगर हम कंपनी की बात करें तो वह कहता है कि बरसात के सीज़न पर, रबी सीज़न पर और खरीफ गर्मी सभी सीज़न पर आप साहो वेराइटी को लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने अनुभव किया तो बरसात के दिनों में किसान साथियों इसमें जो फ्रूटिंग की समस्या है वह देखने को मिलती है ज़्यादा जब बारिश होती है। जैसे कि हम अगेती खेती करते हैं, मान के चलो कि हम जून में जब प्लांटेशन कर देते हैं तो पूरे बरसात जब ज़्यादा रहता है जुलाई के आसपास, उस समय जो फल लगना स्टार्ट होता है। तो हमारे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें फल सेट होने की समस्या जो है बरसात के समय पर देखने को मिली है, और काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि बरसात पर भी अच्छा खासा फलता है। तो ऐसे में हो सकता है किसान साथियों की जिन क्षेत्रों पर बरसात पर बारिश कम होती हो उन क्षेत्र पर फल अच्छी तरीके से सेट हो सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों पर बारिश ज़्यादा होती है उन पर फल जो है ठीक तरीके से सेट नहीं होता। उसके बाद आप अगस्त से बाद आप कभी भी पूरे गर्मी के सीज़न भर आप साहो वेराइटी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि 35 डिग्री जो तापमान है वह उससे अधिक न जाए, उससे अधिक अगर जाता है तो उस समय तो फल फूल लगना जो है मुश्किल ही रहता है अगर आप ओपन फील्ड में कर रहे हैं तो। इसका अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो किसान साथियों लगभग 40 से 50 ग्राम आपको बीज लगने वाला है अगर आप बीज लेकर नर्सरी तैयार करते हैं तो। वहीं पर अगर आप प्लांट लाते हैं डायरेक्ट तो वैसे में 8 से 10 हज़ार आपको प्रति एकड़ के हिसाब से पौध लगने वाला है। पौधे से पौधे की डिस्टेंस की बात करें, अगर आप साधारण विधि से कर रहे हैं तो आप 1 फीट रख सकते हैं, और अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं, और बेड से बेड की दूरी आप 2.5 से 3 फीट रख सकते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी पहली तोड़ाई की अगर हम बात करें तो लगभग 65 से 70 दिनों में इसका जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है अनुकूल समय के हिसाब से। फल का जो वजन है वह लगभग 90 से 100-110 ग्राम तक आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर क्वालिटी की बात करें तो किसान साथियों क्वालिटी के ही नाम से ही जो साहो वेराइटी है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। लगभग 4-5 साल के समथिंग कुछ हुआ है सिजेंटा कंपनी को साहो वेराइटी को लॉन्च किए हुए, और काफ़ी कम समय पर यह जो वेराइटी है वह एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है। उसका कहीं ना कहीं मेन रीज़न है क्वालिटी। किसान साथियों इसका क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन रहता है, इसका जो छिलका है वह काफ़ी मोटा रहता है, तो लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए यह वेराइटी जो है काफ़ी बेहतरीन माना गया है। अगर 4 से 5 दिन 6 दिन भी आप इसको तोड़ाई कर रख देते हैं तो यह जो वेराइटी है यह जो टमाटर है वह किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होता। तो जो लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए जो ख़रीदार होते हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है लंबे ट्रांसपोर्ट, लंबे जगह एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाकर बेचने में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर हम मार्केट के मुकाबले की बात करें तो अन्य वेराइटी और साहो 3251 वेराइटी की बात करें, तुलना करें, तो इसको अन्य वेराइटी से ज़्यादा रेट में ही ख़रीदा जाता है। किसान साथियों इसका जो रेट है वह अन्य वेराइटी से ज़्यादा ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कारण वही है, क्वालिटी एक बेहतरीन रहती है, साइज जो है काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है, और लंबे समय तक यह जो टमाटर है वह ख़राब नहीं होता। इस वजह से काफ़ी कम समय पर यह जो वेराइटी है वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ज़्यादातर जो किसान हैं वह साहो टमाटर के साथ ही खेती करना चाहते हैं। रंग की इसकी बात करें तो लाल रंग आपको देखने को मिल जाता है, और इसका जो आकार है वह गोल होता है। वहीं पर अगर हम कौन कौन से राज्य पर आप इसको लगा सकते हैं इसके ऊपर बात करें तो आप तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड,
इन राज्यों पर आप सफलतापूर्वक जो साहो का 3251 टमाटर है उसको आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे अन्य राज्यों पर भी यह वैरायटी को लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आपके राज्य पर, आपके क्षेत्र पर यह वैरायटी को नहीं लगाया गया है तो आप, मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पहले वर्ष थोड़े में लगाकर, कम जगह पर लगाकर पहले ट्राई देख ले, क्योंकि हर जगह का जो वातावरण है, जलवायु है, मिट्टी है, वह अलग अलग रहता है। तो आप नए जगह पर लगाना चाहते हैं तो आप कम क्षेत्र पर पहले लगाकर देख ले, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। प्राइस की अगर हम बात करें तो किसान साथ लगभग एक पैकेट में 3500 सीड्स रहता है, जिसका जो रेट है वह लगभग 800 से 900 रुपये के समथिंग देखने को मिलता है। अब प्राइस भी हर वर्ष अपडेट होते रहते हैं और अलग अलग क्षेत्र वाइज इसके प्राइस में जो है अंतर देखने को मिल सकता है। उत्पादन की इसकी बात करें तो किसान साथ तो लगभग 25 टन तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल सकते हैं। इसमें आपके मैनेजमेंट, देखभाल, खाद का शेड्यूल, जलवायु, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है किसान साथियों। अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ खेती करते हैं साहो वैरायटी के साथ, तो निश्चित रूप से आप 25 टन तक उत्पादन साहो वैरायटी से निकाल के ला सकते हैं। कुल मिलाकर जितने भी जो बातें हैं वह सुनने को मिलती है साहो वैरायटी के बारे में, तो वह सब 100% से सही बात है। हम काफ़ी सारे किसानों से भी मिले हुए हैं, उनका भी जो अनुभव है वह यही कहता है कि साहो वैरायटी बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी सिजेंटा कंपनी का साहो 3251 के बारे में जानने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले।